अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह का वक्त हो रहा है और ईद का दिन है। ईद सबको बहुत 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 मुबारक हो। तो अब जो है बड़ा सनी सनी सा मौसम है। तो बस मैं सो के उठी हूँ और आवाज़ से पता चल रहा होगा सब ईद की नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। और सो के उठी हूँ मैं और मैं कपड़े चेंज करूँगी, बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, थोड़ी सी सफाइयाँ करेंगे एंड दैट इज़ इट। फिर तैयार होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेहंदी रात मैंने लगा ली थी, ये देखें जी, ये लगाई थी मैंने मेहंदी। और ये मैंने खुद लगाई है, इतनी खूबसूरत लगी है मेहंदी के। और बाहर वाला ये जो ये मेहंदी स्टेंसिल से लगाई है और ऊपर मैंने खुद लगाई है। और ये वाला जो हाथ है इसका भी, ये मैंने सारा का सारा मेहंदी स्टेंसिल से लगाई है। ये वाला अभी हाथ पे कुछ नहीं लगाया लेकिन बहुत खूबसूरत मेहंदी लगी है भाई। और कलर भी देखें कितना खूबसूरत आया है। चलें अब बेडशीट चेंज कर लेते हैं और कपड़े कमरा सेट कर लेते हैं। सो दिस इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ द बेड। बिल्कुल ख़राब हुआ है लेकिन ये मैं एक डार्क ग्रे कलर की, ना डार्क ग्रे नहीं लाइट ग्रे सा कलर था, उसकी मैंने बेडशीट बनवाई थी। तो उसकी वो बेडशीट मैंने बिछानी थी और ये मैंने स्पेसिफ़िकली ईद के लिए बनवाई थी क्योंकि ईद पे सॉलिड कलर्स की बेडशीट बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने ये बनवाई थी और ये अराउंड 1300 की बन गई थी और बहुत रीज़नेबल बन गई थी। फॉरगॉट कि मैंने रात कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो बस मैं कपड़े प्रेस करने आई हूँ और कपड़े प्रेस करूँगी और फिर इंशाल्लाह जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और दुपट्टे पे ना मैंने चारों पल्लुओं पे अभी लगाने थे टेसल्स वगैरह, तो वो भी लगाएंगे। वो मैं बस गम से लगा लूँगी फटाफट। तो अब काफ़ी देर हो चुकी है इससे पहले कि मुझे घर वालों से डांट पड़े और कि अभी तुम तैयार नहीं हुई। तो बस फटाफट तैयार होते हैं, फिर मैं आपको ड्रेस भी शो कराती हूँ। तो गाइस ये ऑलमोस्ट मैं तैयार होकर आ गई हूँ, मतलब कपड़े कपड़े प्रेस कर लिए हैं। सो दिस इज़ अ ड्रेस फ्रॉम सेफायर जो मैंने मंगवाया था। इसका गला था और इसको गले को मैंने अप्लाई करा लिया और साथ में मैंने छोटू सा क्यूटू सा ना फूल का मैंने यहाँ पे बटन लगवाया है। सही है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा स्लेट रखवाया है बाजू पे, मैं आपको दिखा देती हूँ कि बाजू को मैंने इस तरह रखवाया है। ठीक है, बाजू पे मैंने ऊपर नीचे लेस लगवाई है, दरमियान में जो है वो इसका बॉर्डर था वो लगवाया है, फिर उसका जो बॉर्डर था ना ये मैंने सारा नीचे तक एंड तक लिखी गई हूँ। दिखा देती हूँ मैं ज़रा आपको। ठीक है, ये सारा लिखी गई हूँ और नीचे बॉर्डर पे मैंने वही जो इसके साथ आया हुआ था कढ़ाई वाली लेस लगवाई है, ऊपर नीचे लेस लगवाई है, बैक साइड पे मैंने इसकी पाइपिंग करवाई है और दैट्स इट। ये जो साइड पे वाला था ना, साइड वाला डिज़ाइन मैंने दोनों साइड से बनवाया है। तो इतना खूबसूरत लग रहा है ये, आप लोग मुझे बताएं कैसा लग रहा है। दूसरा बाजू भी ऐसा ही है। एंड व्हेन इट कम्स टू दुपट्टा, तो दुपट्टे पे मैंने जो है ये वाली किंगरी वाली लेस लगवाई है। सही है, लेस कह रही हूँ सॉरी, पीको करवाई है। और ट्राउज़र मैंने बेल बॉटम रखवाया है। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे लग जो बॉक्स ट्राउज़र होता है, बेल बॉटम नहीं बॉक्स ट्राउज़र। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई ईद ड्रेस एंड आई होप कि आपको भी पसंद आएगा, मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है। तो बस मैं इसके साथ थोड़ी सी एसेसरीज़ निकालूंगी और लेके आई हूँ, पहले जूते भी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डू द टैसल वाली थिंगी ओवर हियर, तो वो करते हैं और फिर मैं आपको सारी चीज़ें निकालती हूँ और फिर दिखाती हूँ। अच्छा, तो मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी, फूल वाली लेस पड़ी हुई थी और उसको मैंने काटना था। मैंने इसके 8 फूल ले लिए थे क्योंकि दुपट्टे के पल्लू होते हैं 4, तो दो दो इकट्ठे करके ना लग जाएंगे। तो मैंने इन दोनों को आपस में प्रेस करके ना गन स्टिक से इकट्ठा करना था और दुपट्टे के चारों कोनों पर ना ये लगाने थे। तो अगर इसके साथ अगर मुझे कोई ब्लैक कलर का या मरून कलर का मोती मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं था। और बस ये कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो मैंने बस ये फटाफट लगा लिए थे एंड दैट इज़ इट। बहुत खूबसूरत लगे थे, मतलब इससे ना दुपट्टे की काफ़ी अच्छी फिनिश आ गई थी। वैसे भी अगर दुपट्टे पर थोड़ा से टेसल्स वगैरह लगा लो तो उसकी जो फिनिश होती है ना वो आला फिनिश हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने चारों कोनों पर के ऊपर ना ये वाला टेसल लगा लिया है। अच्छा, इसके साथ आज मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ ना हल्का सा लाइट सा मेकअप करूं क्योंकि फ़र्स्ट डे है ना, तो फर्स्ट डे हम लोग का घर मेन घर होता है। तो इस पर ना ऐसा होता है कि सारे के सारे हम लोग एक घर पे मिलने आते हैं और रात तक खाना चलता रहता है, दावत चलती रहती है। तो इट्स बेटर कि ना मैं हल्का सा मेकअप करूँ और हल्का से ही जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करूँ। तो थोड़ी सी मैंने एक्सेसरीज इसके साथ निकाली थी। इसके साथ मैंने एक परफ्यूम निकाला था, साथ मैंने दो ऑप्शंस रखे थे, एक झुमको वाला ऑप्शंस रखा था और एक जो है वो बिल्कुल लाइट्स जो बटरफ्लाई वाले टॉप्स थे वो मैंने गर्दिजी मार्केट वाले शॉपिंग हॉल में भी आपको दिखाए थे।
तो वो रखे थे, और साथ मैंने अपना पुराना बैग ही था वो रखा था, और इसमें जो है वो सफ़ाई की चप्पल रखी थी। तो सफ़ाई की चप्पल बहुत प्यारी थी, और पता नहीं मैंने जब ये आई थी ना तो उस वक्त मैंने कोई इतना गौर नहीं किया, तो लेकिन जब मैंने आज पहनी है तो इसके जो दो नग थे ना वो निकले हुए थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने इतनी महंगी चप्पल भी ली और जो है इसके नग भी निकले हुए। तो खैर बस तैयार श्यार होकर मैं नीचे से लिखी थी, और नीचे जो है तकरीबन सारा का सारा खाना रेडी था। अच्छा, और ईद वाले दिन ना हम लोगों से ना मतलब नाश्ता भी नहीं किया जाता, तो नाश्तों को मैंने अवॉइड ही किया था। और 11 बजे के करीब मैं नीचे पहुंची थी, तो बस मैं ना चाट इन्होंने बनाई हुई थी, चना चाट बनाई हुई थी, और बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनाई हुई थी, तो मैं बस वो लेके ना मैंने नाश्ता बस चना चाट कर किया था। उसके बाद जो है वो बस ईद के बफ़े की और ईद की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी, जिसमें हमने आज बनाई थी बिरयानी, और साथ हम लोगों ने बनाया था मटन, हाँ मटन बनाया था, और खीर बनाई थी मामा ने, और ये साथ में चना चाट हो गई थी, दैट इज़ इट। बाकी जो ऊपर नीचे की चीज़ें होती हैं निमको शिमको और बोतल शोतल, तो ये हमारा ईद का पूरा पूरा मेन्यू था। अच्छा, ईद पे ऐसे होता है कि जो जो आता रहता है ना तो वैसे वैसे वो खाता रहता है, तो मतलब बर्तन लगते भी रहते हैं उठते भी रहते हैं। नो डाउट ईद बहुत बिजी होती है, लेकिन इसी ईद का जो मज़ा होता है ना वो किसी का मज़ा नहीं होता, और छोटी ईद तो ईद के बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो तकरीबन मुझे इस ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह 1500 रुपये ईदी जो है वो मेरी इकट्ठी हो गई थी, एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी कि यार इतने अर्से के बाद इतनी सारी ईदी जो है ना वो मेरी इकट्ठी हुई है। और उसके बाद बस फिर कुछ मेहमान वगैरह वापस घर गए थे, और फिर टेबल वगैरह सेट के दोबारा सारे बर्तन वगैरह समेट के बस अब सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करके बस अब बिस्तर को चल दिए थे, क्योंकि बहुत नींद आई थी। और बस ये मेरा ईद का पहला दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।